हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम 20 जून को होने वाला है, तो टाइम बहुत ही कम है। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए और अपना तैयारी भी और तेज़ी से कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका यहाँ पे मिक्स MCQ से है। इसके पहले जो हमने मॉर्निंग में MCQ को किए थे वो भी आपका 30 MCQ था और वो भी मिक्स था। तो यहाँ पे आज का जो शाम वाला है ये आपका 20 MCQ है। तो यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है इसको आप 20 कर लीजिएगा। तो टोटल अगर हम डे की बात करें तो एक दिन में हम 50 MCQ आज किए हैं, तो जो कि आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर आपको क्विज पोल मिल रहा है और साथ साथ में जो भी PDF नोट्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है। कोई डाउट है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6307781812 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इन ह्यूमन। तो जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है? तो सबसे पहले अगर बात करें पेरिकार्डियल फ्लूइड ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका पेरिकार्डियल, ठीक है, सैक में, ठीक है। और अगर इसके हम कलर की बात करें तो किस कलर का होता है? ये होता है स्ट्रा कलर। क्या होता है? स्ट्रा कलर का होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर इसके नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो जो ऑप्शन हमारे हैं 20 से 25 ml, 25 से 35 ml, 40 से 50 ml, 120 से 130 ml। तो 120 से 130 जाएगा तो बहुत हाई हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तब इतना हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल वॉल्यूम इसका होता है ये ज़्यादा नहीं होता है, बस 20 से 25 ml होता है। अगर हम पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करना, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर का हमारा जो प्रश्न है, व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड में बहुत बड़ा अंतर है। जो पेरिटोनियल फ्लूइड है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। कहाँ पाया जाता है? पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। और इसके अगर नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है लेस देन 100 ml। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही आएगा, लेस देन 100 ml, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक जूस का नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है ये फास्टिंग में लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में फास्टिंग रख दिया है। ऑप्शन हमारे हैं 35 से 50 ml, 50 से 60 ml, 80 से 100 ml और 50 से 100 ml। सही ऑप्शन जो जाएगा इसका ये आपका 50 से 100 ml के बीच जाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे चार नंबर के क्वेश्चन पे। चार नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम 2-3 प्रश्न और सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल क्लोराइड लेवल इन प्रेजेंट इन CSF, यानी कि आपका जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है इसमें जो आपके क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? ऑप्शन हमारा है 720 से 760 mg%, 40 से 80 mg%, 30 से 50 mg%, और नॉन ऑफ दीज। सॉरी, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये ए वाला जाएगा, 720 से 760 mg%। थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये पूछा जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्लोराइड को पूछा है, ठीक है, एबनॉर्मल नहीं पूछा है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो इसमें ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है अदर केस पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपका जो सेसे में ग्लूकोज होता है उसका लेवल कितना होता है। तो ग्लूकोज की अगर लेवल की बात करें तो कितना होता है? 40 से 80 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें इसके प्रोटीन लेवल की, कितने किसकी? प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन की आपकी कितना हो जाएगा? 30 से 50 mg, ठीक है, 30 से 50 mg। और 40 से 80 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। और जो आपका क्लोराइड लेवल है 720 से 760 mg% हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ टर्बिडिटी इज प्रेजेंट इन यूरिन ड्यू टू फास्फेट देन इट कैन बी रिमूव बाय मिक्सिंग। तो ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, हमने इसको खुद से लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो अगर आपके यूरिन में टर्बिडिटी है, अगर उसमें फास्फेट का टर्बिडिटी है तो किस चीज़ को डालेंगे कि वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपका जो टर्बिडिटी है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कौन सा केमिकल है? नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, जब आप यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट करते हैं, किसका प्रोटीन टेस्ट जब करते हैं हीट मेथड के द्वारा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें क्या करते हैं 3/4 यूरिन लेते हैं और ऊपर वाले पार्ट को क्या करते हैं हीट करते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या करते हैं कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को।
तो जब ऊपर वाले पार्ट को गर्म करते हैं तो अगर इसमें कुछ कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगा, चाहे फास्फेट या फिर प्रोटीन, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये अवक्षेप के रूप में आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको पता कराने के लिए कि ये प्रोटीन ही है या फिर फास्फेट है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अगर फास्फेट प्रेजेंट होगा तो इसमें आप एस्टिक एसिड या फिर 10% ग्लेशियल एस्टिक एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अवक्षेप क्या हो जाएगा, बिल्कुल से गायब हो जाएगा। और अगर इसमें फास्फेट ना प्रेजेंट होके अगर इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो आप 10% ग्लेशियल एसिड डालेंगे, एस्टिक एसिड डालेंगे, तो ये अवक्षेप अपने आप में वैसे की वैसा बना रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर फास्फेट प्रेजेंट है तो अवक्षेप गायब हो जाएगा आपके एस्टिक एसिड डालने से, और अगर यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है तो एस्टिक एसिड डालने से आपका जो अवक्षेप है वो गायब नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपके ये टेस्ट का, ठीक है। और एक बात और होता है कि ये जो अवक्षेप है ये कुछ देर बाद गायब हो जाए तो क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेन जोन्स प्रोटीन, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा के केस में आपका ये वाला प्रोटीन जो होता है ये होता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेन जोन प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर सही भी समझ में आ गया होगा ना कि इसका क्या होगा, एस्टिक एसिड होगा, ठीक है। अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसमें लिख दीजिएगा 10% ग्लेशियल एस्टिक एसिड, ठीक है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, व्हिच सॉल्यूशन इज यूज ये प्राइमरी स्ट्रेन इन ZN स्ट्रेन। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, सिंपल है, आप लोग इसको कर भी चुके होंगे कई बार, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रेन क्या है आपके ZN स्ट्रेन का, तो चाहे FB स्ट्रेन कहिए चाहे ZN स्ट्रेन कहिए, ठीक है, दोनों एक ही है। तो प्राइमरी स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन से मेथिलीन ब्लू, कार्बन फ्यूजन, मैलाकाइंड ग्रीन, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी स्ट्रेन होता है या होता है आपका यहाँ पे कार्बन फ्यूजन, ठीक है, क्या होता है, कार्बन फ्यूजन होता है, सही आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। काउंटर स्ट्रेन की बात करें तो मेथिलीन ब्लू क्या होता है आपका यहाँ पे, काउंटर स्ट्रेन होता है, काउंटर स्ट्रेन। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पे होता है डीकलराइजेशन, ठीक है, डीकलराइजेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ZN स्ट्रेन का जो प्राइमरी स्ट्रेन है कार्बन फ्यूजन है, इसका जो काउंटर स्ट्रेन है मेथिलीन ब्लू है, और इसका जो डीकलराइजेशन एजेंट है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एस्टिक एसिड, सॉरी एस्टिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव कलर होता है वो कैसा होता है, रेड बीट का होता है, ठीक है, रेड बीट का होता है, ठीक। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन जैसे ही सेम है, बस इसमें ग्राम स्टेन पूछा गया है, व्हिच रिएजेंट इज यूज एज ए प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन, यानी कि ग्राम स्टेन में प्राइमरी स्टेन कौन सा यूज होता है। तो ऑप्शन से लुगोल्स स्टेन, एसीटोन, क्रिस्टल वॉलेट, सेफ्रानिन। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं कि प्राइमरी स्टेन का कौन सा है, तो प्राइमरी स्टेन आपका यहाँ पे हो जाता है क्रिस्टल वॉलेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एसीटोन क्या है, तो एसीटोन आपके जो ग्राम स्टेन है इसका क्या है, डीकलराइजेशन एजेंट है, ठीक है, डीकलराइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये सेफ्रानिन क्या है, काउंटर स्टेन हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, काउंटर स्टेन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है कि यहाँ पे मॉर्डेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्या मॉर्डेंट का उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका ग्राम्स आयोडीन, क्या होता है, ग्राम्स आयोडीन, ठीक है। तो अब सारी बातें इस स्टेनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, नोकॉर्डिया स्पीसीज आर एसिड फास्ट ओनली विथ, यानी कि आपका जो नोकॉर्डिया स्पीसीज है ये क्या करता है, ZN स्टेन देगा, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेन देता है, लेकिन कितने परसेंट के H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर कितने परसेंट के सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। अभी सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डीकलराइजेशन है, यानी कि जब आप डीकलराइजेशन यूज करेंगे तो कितने परसेंट का यूज करेंगे ताकि आपका जो नोकॉर्डिया स्पीसीज है ये क्या करे, ये एसिड फास्ट स्टेन को दे। तो आपका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन से 1% H2SO4, 3% सल्फ्यूरिक एसिड, 2% सल्फ्यूरिक एसिड और 4% सल्फ्यूरिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा आपका 1% सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा यहाँ पे देखा जाए अगर 20% किसमें यूज किया जाता है, तो ये आपका TB के लिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, 9 नंबर का, इन नेजर स्टेन डॉट डॉट यूज ये काउंटर स्टेन, नेजर स्टेन में आप काउंटर स्टेन कौन सा यूज करते हैं, नेजर मेथिलीन ब्लू यूज करते हैं या फिर नेजर क्रिस्टल वायलेट करते हैं, बिस्मार्क ब्राउन करते हैं, 6% डेक्टोज करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, नेजर मेथिलीन ब्लू का उपयोग करते हैं आपके नेजर स्टेन के काउंटर स्टेन में, ठीक है, ए नंबर सही जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, लिस्मानिया डोनोनी, ठीक है, ग्रो ऑन व्हिच मीडियम, यानी कि आपका जो लिस्मानिया है, ठीक है, ये आपका किस मीडियम में ग्रो करता है, इनरिचमेंट मीडियम, कैंडल जार मीडियम या फिर ट्रिपल एन मीडियम या फिर नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रिपल एन मीडियम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म देखना है कि क्या होता है, ठीक है,
अगर हम यहाँ पे बता देंगे आपको लर्न नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वहाँ से देखेंगे यूट्यूब यूट्यूब से, यूट्यूब से नहीं मतलब गूगल वूगल से, तो आपको पता चल जाएगा, या फिर अपने बुक में देखिए। चलिए आते हैं यहाँ पे 11 नंबर के क्वेश्चन में। इन पैप स्टेन विच हेमाटोक्सिलिन इज यूज, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि आप पैप स्टेन यानी कि पैपा कुनस स्टेन जो होता है इसमें आप हेमाटोक्सिलिन जो यूज करते हैं उसमें कौन सा हेमाटोक्सिलिन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आप बता दें कि जो आपका हेमाटोक्सिलिन होता है कई प्रकार का होता है, जैसे आपका यहाँ पे एलम हेमाटोक्सिलिन हो जाता है, ठीक है, और एक हो गया आयरन, ठीक है, आयरन। अब आयरन और एलम दोनों के बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेमाटोक्सिलिन यूज होता है पैप में, ये तो होता है आपका एलम हेमाटोक्सिलिन, ठीक है। कौन सा होता है? एलम हेमाटोक्सिलिन। अब एलम में कौन सा यूज होता है? हेरीज, कॉल्स, या फिर क्रेजी हेमाटोक्सिलिन, या फिर ननाब्दीज। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए वाला, हेरिस हेमाटोक्सिलिन। अब हेरिस हेमाटोक्सिलिन क्या है? हेरिस हेमाटोक्सिलिन एक प्रकार का एलम हेमाटोक्सिलिन है, और साथ में अगर इसके बात करें तो इसका उपयोग सीधा सीधा आप कहिए कि एक्सप्लोटिव जो साइटोलॉजी होते हैं इसमें यूज किया जाता है, एक्सप्लोटिव साइटोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्रेजी हेमाटोक्सिलिन की बात करें तो क्रेजी हेमाटोक्सिलिन जो होता है इसका उपयोग फ्रोजन सेक्शन को क्या करते हैं, स्टेन करने के लिए किया जाता है, फ्रोजन सेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ऑल आर आयरन हेमाटोक्सिलिन एक्सेप्ट वन, यानी कि एक को छोड़ के जितने भी हैं वो आपके आयरन हेमाटोक्सिलिन है, ठीक है। वेगर्ट हेमाटोक्सिलिन, हेड एंड हैंड्स हेमाटोक्सिलिन, लेल्स हेमाटोक्सिलिन, मेयर हेमाटोक्सिलिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हैं ये तीनों क्या हैं आपके, ये आपके आयरन हेमाटोक्सिलिन है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेयर हेमाटोक्सिलिन है ना, ये आपका क्या है, ये एलम हेमाटोक्सिलिन है। क्या है? एलम हेमाटोक्सिलिन है, ठीक। तो ये आंसर आपका सही जाएगा डी वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी प्रकार के आपके हेमाटोक्सिलिन हैं, चाहे एलम के चाहे आपके आयरन के, ठीक है, इनको थोड़ा सा देख के जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी एग्जाम टफ आया तो ये सब चीज़ें देने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर के क्वेश्चन पे, 13 नंबर का क्वेश्चन है, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इनमें से एक का स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। अब ऑप्शन जो हमारे दिए हैं, ये ऑप्शन हमारे हैं, और सीएन इज वेजिटेबल डाई, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। लिटमस इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम लाइकेन, ये भी सही है, ठीक है। हेमाटोक्सिलिन कहाँ से लिया जाता है? चैम्पियनम के एक जो पेड़ होता है वहाँ से लिया जाता है। सेफ्रॉन बॉडीज जो होता है ना, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का जो है, हेंस बॉडीज इन आरबीसी कैन बी प्रेजेंट इन डार्ट कंडीशन, यानी कि आपका जो हेंस बॉडी होता है जो कि आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है इन एबनॉर्मल कंडीशन, तो ये किन कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिस स्पीडी डिफिशियंसी, या फिर केमिकल पॉइजनिंग, या फिर ड्रग्स के केस में, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो सभी के केस में, ठीक है, ऑल ऑप्शन के केस में आपका हेंस बॉडी प्रेजेंट होता है। अब अगर हमारा ये लेक्चर नहीं देखे हैं आपकी, जो हमने यूपीएचएम का लेक्चर कराया हुआ है, इसमें हमने हेंस बॉडी के बारे में बहुत अच्छी बताई है, ठीक है, तो आप उसको देखिए तब आपको समझ में आएगा कि आरबीसी में जो हेंस बॉडी हैं वो क्यों होते हैं और ये होते एक्चुअली में क्या हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। व्हिच फिंगर इज मोस्टली कॉमनली यूज फॉर प्रिंकिंग, ठीक है, यानी कि आपका जो कौन सा फिंगर है जब आप फिंगर प्रिक से ब्लड को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके हैंड का कौन सा फिंगर होता है जिसको यूज किया जाता है कलेक्शन के लिए? आपका जो ऑप्शन से लेफ्ट रिंग फिंगर, राइट लिटिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, या फिर राइट यहाँ पे मिडिल फिंगर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ये आपका लेफ्ट रिंग फिंगर, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, लेफ्ट रिंग फिंगर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सब लोग जानते होंगे, क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हैं ना तो एक साल जैसे बीतता है तो वहाँ के जो सीनियर होते हैं ना, सबसे पहला यही क्वेश्चन करने लगते हैं, किस फिंगर से करते हैं, और बता भी दिए कि आप इस फिंगर से करते हैं तो ये क्यों करते हैं इससे, अब ये सबसे बड़ा होता है क्वेश्चन ना, तो आप लोग जान रहे होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन साली मेथड हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो आपका साली मेथड है इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन है ये किस में टूट जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 10% HCl, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन एस्टिक हेमेटिन, हेमिन, या फिर बिलरुबिन, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे बिलरुबिन होगा नहीं, हेमिन होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, एसिड हेमेटिन में टूटता है, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, जिसका कलर होता है ब्राउन कलर, क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। इसी को हम क्या कर देते हैं, हमारा जो ये कंपेरेटर होता है उसी के कम कलर, जो आपका कलर होता है उसी कलर से क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, आप जब होल ब्लड को यहाँ पे ले जाएंगे 10% HCl के एसिड के पास, HCl के, ठीक है, तो क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपको एसिड हीमेटिन में, और जो आपका एसिड हीमेटिन होता है उसका कलर होता है ब्राउन, ब्राउन कलर को हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपेरेटर होता है उसमें भी वही चीज़ बना होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, उसके बाद में उसका जो रीडिंग है उसको दे देते हैं, तो ठीक है।
17 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। एल्काली है हेमेटिन मेथड किसके द्वारा होता है, ठीक है, के ओ एच एन ओ एच इसमें यूज होता है, ठीक है, कह रहा है कि जो एल्काली हेमेटिन मेथड है इसमें यूज होता है आपका के ओ एच एन ओ एच, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड में क्या यूज होता है, एन एच फोर ओ एच, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साइन मेथ के हीमोग्लोबिन में क्या यूज होता है, ड्रेपकिन सोल्यूशन इज यूज। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब बचा एक, तो इसमें शायद एक ही गलत होगा, एक रहा एसिड हेमेटिन हेल्डन मेथड, ठीक है। तो एसिड हेमेटिन जो होता है यानी कि एन बाई टेन एससीएल जो आप लेते हैं, और हाँ सॉरी फ्रेंड्स, वहाँ पे जो आप साहली मेथड हमने बताया ना 10% नहीं लेते हैं, एन बाई टेन लेते हैं, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है साहली वाला 10% एससीएल नहीं लेते हैं, एन बाई टेन लेते हैं, ठीक है, एन बाई टेन एससीएल लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें हमने बताया कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग था, तो इसमें तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब बचा लास्ट वाला, तो देखिए एन बाई टेन एससीएल लेते हैं हेमेटिन में, बट ये हेल्डन मेथड नहीं है, कौन सा मेथड हो जाता है, ये आपका साहली मेथड हो जाता है, कौन सा साहली मेथड हो जाता है। अगर हेल्डन मेथड की बात करें तो हेल्डन मेथड में क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं आप CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका किस में बदल देता है, ये आपका बदल देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है, आपके हीमोग्लोबिन को, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का है, और 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन बोन मैरो नॉर्मल ME रेशियो इज, यानी कि जो आपका बोन मैरो होता है इसमें माइलॉइड और एरिथ्रोइड को जो रेशियो होता है वो नॉर्मल रेशियो क्या होता है, 3:1, ठीक है, इससे लेकर 15:1 तक, 3:2 से लेकर 16:1 तक, 15:3 से लेकर 15:3 तक, 1:3 से लेकर 1:15 तक, ठीक है। तो इसका जो सही है 3:1 से लेकर 15:1 वाला, ठीक है, ये सही है। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 1:3 है, ठीक है, ये या फिर 1:15 के बीच में, तो ये मत करिएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो आपका यहाँ पे एम यानी कि माइलॉइड होगा ये होगा 3:1, और आपका जो ये एरिथ्रोइड होगा ये 15:1 वाला, ठीक है। तो कुल मिला के 18 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा पहला, और आपका 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन बोन मैरो ट्रेफाइन बायोप्सी विच नीडल इज यूज, यानी कि आपका जो बोन मैरो है ना इसमें आप बायोप्सी कर रहे हैं तो किस नीडल का यूज करते हैं, स्लार नीडल, जम सीधी नीडल, या फिर यहाँ पे 16 गेज का नीडल का उपयोग करते हैं, या फिर बिम सिलोरमेंस नीडल, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी वाला, जम सीधी नीडल का उपयोग करते हैं, ठीक है, बायोप्सी के केस में, ठीक है, बायोप्सी केस में क्या करते हैं, जम सीधी नीडल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे बिम सिल्वर नीडल जो होता है इसके बारे में बता दें कि जो बिम सिल्वर मैन नीडल होता है इसका क्या करते हैं, लीवर के बायोप्सी करने के लिए करते हैं, लीवर के बायोप्सी करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको कर ले जाइएगा, ठीक है, चाहे सिल्वर हो चाहे यहाँ पे जमशेदी नील हो, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन और हो सकता है, जो आपका फ्रोजन होते क्या कहते हैं यार, ये फ्रोजन हैंडल, ठीक है, ये कहाँ यूज किया जाता है, फ्रोजन हैंडल, फ्रोजन हैंडल का उपयोग कहाँ करते हैं, एफनेसी के केस में करते हैं, कहाँ पे, एफनेसी के केस में करते हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन, रेड कलर मतलब खतरे की निशानी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। एयर स्टेपुला इज यूज या फिर यूज फॉर, ठीक है, तो एयर स्टेपुला कहाँ यूज करते हैं, सर्वाइकल स्मेयर में, सॉफ्ट टिश्यू के स्मेयर में, या फिर सेसप के कलेक्शन में, या फिर नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर जो होगा आप इसको बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके, अगर ये वाला तो नंबर लिख दिया कीजिए, अगर कमेंट करिए 20 का जो भी है, बी है, सी है, डी है, जो भी, ठीक है। और इसके लिए जो आप यहाँ पे वॉच किए वीडियो उसके लिए थैंक यू, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, इतना ही किया जाता है और क्या होता है बस। तो आपको मतलब पूरा 20 के 20 क्वेश्चन हमने कराया, ठीक है, 20 का जवाब देना है, 19 का क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिया है, और जो भी क्वेश्चन थे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लीजिए, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ पे कौन सा मतलब कि केमिकल यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए फास्फेट, उसमें एसिटिक एसिड हो गया था, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड कहाँ यूज होता है पता है आपको, तो यूरिन के केस में ही यूज होता है, ठीक है, कहाँ पे, यूरिन के प्रोटीन में, सॉरी प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो आप बताइए कौन सा होता है, ठीक। कुल मिला के सब सही है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक तो आइए है, ठीक, बाय।